गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडिया एकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए शिक्षा जगत समाचार 14 जून की मुख्य 53 खबरें आपके लिए लेकर के आ गया हूं, जो कि आरपीएससी से जुड़ी, आरएसएमएस एसबी से, कॉलेज प्रमोट को लेकर, बोर्ड एग्जाम को लेकर, जॉब, नई भर्तियां, परीक्षा तिथि, परिणाम, अन्य बहुत सारी खबरें हैं जो कि आपको बताऊँगा यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी सभी विद्यार्थियों के लिए, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के शिक्षा जगत समाचार को। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक से आगे निकला टिकटॉक, नई दिल्ली से खबर। अगली खबर है, एक स्टूडेंट पर सैनिटाइजर का खर्च 1 रुपया, बोर्ड परीक्षा 18 से सेंटर पर स्टूडेंट को करेंगे सैनिटाइज। तो यहाँ पर जो बोर्ड स्टूडेंट है उसके ऊपर 1 रुपया खर्च किया जा रहा है। एजुकेशन रिपोर्टर कोटा, PTET परीक्षा के आवेदन 20 तक कर सकते हैं। अगली है, कॉलेज में एडमिशन कल से ऑनलाइन जमा होगी फीस कोटा। अगले कॉलेजों की फीस ई मित्र पर 30 जून तक होगी जमा। अगली है, MBC वर्ग को बैकलॉग प्रवेश के से सभी भर्तियों में लाभान्वित कराने को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, डीम से खबर। कोरोना जैसे संकट के समय में आप ले सकते हैं 5 तरह के लोन। समस्या, बालिका स्कूल को यथावत रखने की मांग, कलेक्टर के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए दूसरे भवन का चयन किया जाए, भास्कर न्यूज सुल्तानपुर से मुख्य खबर। तो यदि आप दोस्तों इस PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो Study IQ Academy। रोजगार प्रशिक्षण के लिए आवेदन 19 तक, जयपुर से खबर। गांधी स्कूलों के लिए साक्षात्कार कल से शुरू। कोरोना वॉरियर्स के बच्चों को स्कूल्स में दूसरे बच्चों से अलग बिठाने के आदेश का डॉक्टरों ने किया विरोध, भास्कर संवाददाता सीकर से खबर। विद्यार्थियों को लॉकडाउन और ग्रीष्मकाल अवकाश की अवधि का खाद्यान्न 25 जून तक बांटा जाएगा, सीकर से मुख्य खबर। बालिका विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम नहीं करने की मांग, 600 बालिकाएँ होगी अध्ययन से वंचित। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन, बूढ़ा माली से खबर। नर्स ग्रेड द्वितीय पद पर 15 दिन में ज्वाइनिंग देने के निर्देश, नवज्योति जोधपुर से मुख्य खबर। प्रोफेसर सहित कई पद रिक्त, आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो। IBPS के अंदर 25 पदों की वैकेंसी है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है। सीनियर रेजिडेंट व स्पेशलिस्ट बनने का अवसर, 61 पद है यहाँ पर दोस्तों, आवेदन कर सकते हो आप 300 रुपये और 75 रुपये वर्गानुसार। तो यहाँ पर साक्षात्कार की जो तिथि है 16, 17 और 18 जून रखी गई है। बेरोजगार नेत्र सहायक संघ ने CM के नाम दिया ज्ञापन। पावर ग्रिड के पदों के लिए आवेदन करें सभी विद्यार्थी, पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिक 25, ग्रेजुएट सिविल 5, एजुकेटिव HR 5, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 40 पद, डिप्लोमा सिविल 10 पद। शैक्षणिक योग्यता आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट या डिप्लोमा उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं वो जरूर आवेदन आज से ही शुरू कर दीजिएगा। बोर्ड की शेष परीक्षाएं 18 से होगी शुरू, पेपर आज आएंगे। विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिल सकती है छूट। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विभिन्न पदों के साक्षात्कार आज से, शिक्षा विभाग से मुख्य खबर। पशुधन प्रसार अधिकारी सहित कई पद खाली, तो आप विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। 149 पदों पर भर्ती है और आप लोग सभी आवेदन कर सकते हो। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून। UGC के दिशा निर्देशों पर ऑनलाइन परीक्षाएं, जयपुर समाचार जगत से मुख्य खबर। बिजली विभाग में आवेदन का मौका, सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से आप आवेदन कर सकते हैं। 353 पदों पर भर्ती दोस्तों, लगातार अंतिम तिथि वो बढ़ाई जा रही है और आप भर्ती गई है 30 जून, लॉकडाउन से पहले निकली थी भर्ती। छबड़ा कोरोना काल का सबसे बड़ा प्रभाव, विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ा असर। हाईकोर्ट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों की अलग से स्क्रीनिंग के दिए निर्देश, आदेश दिए हैं, जयपुर से एक खबर। क्या ऑनलाइन शिक्षा लंबे समय के लिए सही है, बताइएगा आप कमेंट करके। इसरो की साइबर स्पेस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 24 जून तक, भास्कर संवाददाता से खबर। भास्कर कास रिपोर्ट, रिपोर्टिंग और स्क्रीनिंग के बाद रिक्त सीटों राज्य को सौंपी जाएगी। NEET PG सीट आवंटन कल काउंसिल 16 से BEd प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का एक और मौका सभी विद्यार्थियों को। विधि शिक्षा को
डाउनट पर होगा। अब आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट आईआईटी जेई मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनट ऐप। कॉलेज में द्वितीय और तृतीय और स्नातकोर फाइनल में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कल से। कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट। तो कॉलेज के जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो छात्र हैं वो आपको क्या कहा जाएगा, प्रमोट हो रहे हैं। 3600 विद्यार्थी होंगे प्रमोट। गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक को ड्यूटी लगाने का विरोध शुरू। बीकानेर सोच समझ कर ले स्कूल खोलने का फैसला सरकार। पंजाब की तर्ज पर राज्य में भी प्रधान अध्यापकों की सीधी भर्ती हो। अजमेर महात्मा गांधी स्कूलों में इंटरव्यू देने वाले की 2 दिन परीक्षा में नहीं लगेगी ड्यूटी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, जरूरत पड़ी तो शिक्षकों के इंटरव्यू को डेट भी बढ़ाई जाएगी। सीएम की स्वीकृति के 1 साल बाद भी 456 शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं। बांस कर संवाददाता से खबर। CUC ET प्रवेश के लिए अब तक 1.45 लाख आवेदन। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का एक और अंतिम मौका। CS की परीक्षाएं अब 18 अगस्त से। RBSE बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम शुरू। बोर्ड की शेष परीक्षाओं का आयोजन 18 जून से। MDSU 8 जुलाई से शुरू होगी शेष परीक्षाएं। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए शिक्षकों के साक्षात्कार कल से शुरू। जालौर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों के इंटरव्यू कल से पाली में। आगे देखिएगा दोस्तों, 1950 के करीब यह कला गुप्त होने के कगार पर थी तो मऊ गांव के शेखावत ने इसे पुनर्जीवित कर लिया दिया। ब्लू पोल्ट्री के जनक पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत जी की जीवनी पढ़ेंगे। प्रदेश के लाखों विद्यार्थी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। चौंकना जरूरी है, सरकारी स्कूलों में है 1260 स्टूडेंट पर 40 टीचर, कोटा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 23 टीचिंग फैकल्टी। अगली है दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन क्वारंटाइन छात्रों को परीक्षा केंद्र या बोर्ड कंट्रोल रूम में सूचना देनी होगी। क्वारंटाइन विद्यार्थियों को अलग कक्ष में परीक्षा दिलवाएंगे। रहने को भी अलग व्यवस्था होगी। सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे होगा। सीकर में रेड जोन में नहीं होगा कोई केंद्र। अगली है इग्नू जुलाई 20 के लिए प्रवेश शुरू। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सहित विभिन्न कोर्स के लिए सूचना जारी। अगली मुख्य खबर है, राज्य के कॉलेजों में प्रोविजनल प्रमोट करने की तैयारी। 30 जून तक फीस जमा होगी। एजुकेशन रिपोर्टर जयपुर से खबर। 9 जुलाई से होगी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। स्नातक अंतिम वर्ष का टाइम टेबल जारी ऑफिशियल वेबसाइट में और हमने टेलीग्राम में डाल दिया है। बोर्ड परीक्षाओं के पेपरों का वितरण 15 जून से होगा। भरतपुर से मुख्य खबर, शिक्षा CBSE के निर्देशक ने संस्था प्रधानों को दिए निर्देश। देशभर में शिक्षकों को ऑनलाइन देंगे प्रशिक्षण। CBSE कल से शुरू करेगा वर्चुअल मास्टर क्लास सीरीज। सिटी रिपोर्टर, अब शिक्षकों को बांटना होगा खाद्यान्न। बीकानेर से मुख्य खबर, आदेश, कक्षा 1 से 5वीं के लिए 1.95 लाख और 6 से 8वीं के लिए 94,000 बच्चों होंगे लाभान्वित। लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के मिड डे मील का गेहूँ और चावल 2.89 लाख बच्चों को बांटा जाएगा। अच्छी खबर, सिर्फ 13% स्कूली स्टूडेंट ही ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट। और विद्यार्थियों के पास नहीं, वो सरों के पास मोबाइल, किसी के पास क्या नहीं है, तो इस कारण विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। केवल सिर्फ और सिर्फ 13% विद्यार्थी जो है वह संतुष्ट है ऑनलाइन परीक्षाओं से। तो दोस्तों, हमारी आज का ये शिक्षा जगत समाचार आप सभी लोगों को किस प्रकार लगा फटाफट से तुरंत कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कि ये डेली जो शिक्षा जगत समाचार है ये हम रेगुलर रखें या फिर क्या कर दिया जाए, इसको आप बताइएगा, या इसमें क्या मॉडिफाई किया जाए ये भी आप बता सकते हैं ताकि हम आप इसके जो है आपका आदेश माने। थोड़ा सा आपकी सलाह होगी तो हम उसमें मॉडिफाई कर पाएंगे और उस प्रकार आपके लिए जानकारी समय समय पर हम दे पाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा सभी जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पर सबसे पहले दी जाती होगी। नहीं दी जाती दोस्तों तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सुधार करूँगा जैसा कि आप लोग चाहते हो। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। आपका इस वीडियो के साथ दिन की शुरुआत अच्छी होगी।